इस वीडियो में हम टू सिलेबल वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। टू सिलेबल वर्ड्स ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनको आसानी से दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। सिलेबल के लफ्ज को आसानी से समझने के लिए इसकी जगह बीट का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बीट का मतलब है थाप, यानी ढोल की थाप। तो इस तरह टू सिलेबल वर्ड्स में दो बीट्स होते हैं। टू सिलेबल वर्ड्स में कितने बीट्स होती हैं? दो। बिल्कुल ठीक, शाबाश। ऐसे अल्फाज के एक हिस्से को जोर देकर बोला जाता है जबकि दूसरे हिस्से को आहिस्ता से बोला जाता है। तो इस तरह इन दो हिस्सों के दरमियान हल्की सी रुकावट होती है या आवाज का उतार चढ़ाव होता है। चलिए अब मिलकर टू सिलेबल वर्ड्स को पढ़ने का तरीका सीखते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़िए। ये क्या लिखा है? ये है लेटर सी, उसके बाद है लेटर ए और फिर लेटर एन। सी ए एन बनता है कैन, कैन। और इसके बाद हल्की सी रुकावट है। और अब ये क्या है? ये है लेटर डी, उसके बाद है लेटर एल और आखिर में लेटर ई। डी एल ई बनता है डल, डल। कैन और डल की आवाजों को आपस में मिलाया जाए तो बन जाता है कैंडल, कैंडल। कैंडल यानी शमा या मोमबत्ती, और ये है कैंडल की तस्वीर। अब आप गौर से सुनकर बताइए इस लफ्ज के किस हिस्से में स्ट्रेस या जोर मौजूद है, यानी किस हिस्से को जोर से बोला जा रहा है, कैन को या डल को। कैंडल, कैंडल। इस लफ्ज के पहले हिस्से में स्ट्रेस या जोर मौजूद है, यानी इसके पहले हिस्से को जोर देकर बोला जाएगा। और कैंडल के लफ्ज में कितने बीट हैं? कैंडल, ये है दो बीट्स, इसीलिए इसे टू सिलेबल वर्ड कहते हैं। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। सी ए एन कैन, डी एल ई डल, कैंडल, कैंडल यानी शमा या मोमबत्ती। बिल्कुल ठीक, शाबाश। चलिए अब मिलकर अगला लफ्ज सीखते हैं, आप ही मेरे साथ पढ़िए। ये क्या है? यह है लेटर टी और यह है लेटर आई। टी आई बनता है ठाई, ठाई। और इसके बाद है रुकावट। और ये क्या है? ये है लेटर जी और इसके बाद लेटर ई और आखिर में है लेटर आर। जी ई आर बनता है ग्र, ग्र। थाई और ग्र की आवाजों को मिलाया तो क्या बना? टाइगर, टाइगर। अब आप गौर से सुनकर बताइए इस लफ्ज के किस हिस्से को जोर देकर बोला जा रहा है, पहले हिस्से को या दूसरे हिस्से को। टाइगर। इस लफ्ज के पहले हिस्से को जोर देकर बोला जा रहा है, तो अब आप गौर से सुनकर बताइए इस लफ्ज में कितने बीट हैं? टाइगर, टाइगर। इस लफ्ज में है दो बीट्स, यानी ये क्या है? ये है टू सिलेबल वर्ड। बिल्कुल ठीक। एक मरतबा फिर पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। टी आई थाई और फिर है रुकावट और इसके बाद जी ई आर ग्र। क्या बना? टाइगर यानी चीता। और आप देख सकते हैं ये है टाइगर की तस्वीर। एक मरतबा फिर दोहराइए। टी आई थाई, जी ई आर ग्र।
क्या बना? टाइगर यानी चीता. बिल्कुल ठीक, शाबाश. अब अगला लफ्ज मिलकर पढ़ते हैं. ये क्या है? ये है लेटर एफ और इसके बाद लेटर ई और फिर लेटर ए. एफ ई ए बनता है फे, फे. और फिर है एक रुकावट और फिर लेटर टी एच ई और आखिर में लेटर आर. टी एच ई आर बनता है ज़र, ज़र. फे और ज़र की आवाजों को आपस में मिलाया तो क्या बना? फे ज़र, फेदर, फेदर. फेदर यानी पर और यह है फेदर की तस्वीर. चलिए अब आप गौर से सुनकर बताइए इस लफ्ज के किस हिस्से को जोर देकर बोला जा रहा है. फेदर, फेदर. इस लफ्ज के पहले हिस्से को जोर देकर बोला जाता है यानी इसके पहले हिस्से में जोर या स्ट्रेस मौजूद है. एक मरतबा फिर गौर से सुनकर बताइए इस लफ्ज में कितने बीट हैं. फेदर, फेदर. इस लफ्ज में है दो बीट्स. तो ये क्या हुआ? टू सिलेबल वर्ड. बिल्कुल ठीक. एक मरतबा फिर पढ़ते हैं. एफ ई ए फे, टी एच ई आर दर, फेदर यानी पर. बिल्कुल ठीक, शाबाश. अब अगला लफ्ज चलिए मिलकर पढ़ते हैं. ये क्या है? यह है लेटर बी और इसके बाद लेटर ए और फिर लेटर एल. बी ए एल बनता है बल, बल. और फिर है रुकावट और फिर इसके बाद एल डबल ओ एन. एल डबल ओ एन बनता है लून, लून. बल और लून की आवाजों को आपस में मिलाया तो क्या बना? बलून, बलून. अब आप गौर से सुनकर बताइए इस लफ्ज के किस हिस्से को जोर देकर बोला जा रहा है. गौर से सुनिए. बलून, बलून. इस लफ्ज के दूसरे हिस्से को जोर देकर बोला जा रहा है. बलून यानी दूसरे हिस्से में स्ट्रेस या जोर मौजूद है. अब आप एक मरतबा गौर से सुनकर बताइए इस लफ्ज में कितने बीट हैं. बलून, बलून. इस लफ्ज में है दो बीट्स. तो ये क्या हुआ? ये है टू सिलेबल वर्ड. बिल्कुल ठीक, शाबाश. और बलून क्या होता है? बलून यानी गुब्बारा, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं. चलिए एक मरतबा फिर पढ़ते हैं. बी ए एल ब, एल डबल ओ एन लून, बलून, बलून यानी गुब्बारा. बिल्कुल ठीक, शाबाश. तो ये थे चंद टू सिलेबल वर्ड्स. इन अल्फाज को अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और अपनी कोशिश जारी रखिए.